आपको मालूम है हमारा देश में मोदी सरकार आने के बाद जनता का जिंदगी का हर पहलू पर, और मजदूर हो, किसान हो, छात्रा हो, छात्र नौजवान हो, महिलाएं हो, खेत मजदूर हो, कर्मचारियां हो, दुकानदार हो, दैनिक दिहाड़ी मजदूर हो, और कोई भी लोग समाज का 90% जो लोग है उसका जिंदगी आज हर तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। और एक तरफ जनता का ऊपर जुलूम हो रहा है, और वो जुलूम के खिलाफ लड़ाई को खत्म करने के लिए जाति धर्म और सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करके लोग को बांटने का साजिश चल रहा है। तो दिल्ली में जो दक्षिणपंथ था रुझान सरकार का, और जो फैसीवादी तरीका से आज देश चलाने का, जो शासन चलाने का परंपरा चल रहा है, इस सवाल को लेकर जनता का हर हिस्से के साथ काम करने वाला जन संगठनों ने सोचा कि इसके खिलाफ अकेला अकेला कोई लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगा, सब मिलके जो भी लड़ाई में आने के लिए तैयार है उसको लेके एक भारी एकता बनाना जरूरी है। ये सोच के आधार पर तो पिछले साल 2017 में 18 सितंबर को मवलंकर हॉल में ये सारे संगठन का एक कॉन्वेंशन बुलाया गया, और इस संगठन में करीब 100 के करीब संगठन का प्रतिनिधि, जिसमें ट्रेड यूनियन, किसान, खेत मजदूर, छात्र, महिलाएं, नौजवान, कर्मचारियां, बैंक, LIC आदि सारे जो जनता का हर पहलू से जुड़े हुए लोग उस सम्मेलन में हाजिर हुए। और उस सम्मेलन में यह तय हुआ था कि हम ये सब मिलके एक एकताबद्ध लड़ाई पूरा देश में करना हमारे लिए जरूरी है, इसके अलावा इस दुश्मन को, इस पत्थर को हम हटा नहीं सकता। इस अनुभव के आधार पर हमारा अपना अपना कार्यक्रम सब संगठन का है, सबके पास अपना कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, तो करना भी पड़ेगा। आजाद कार्यक्रम सब करते हैं, मगर साथ साथ बाजू बाजू हमको एक साथ भी आवाज उठाने का जो जरूरत है इसको हम महसूस किया था। वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ था, वहां एक मांग पत्र रखा गया था, एक कार्यक्रम भी तय किया। कार्यक्रम यह तय हुआ था जो पूरा देश में इस संगठन को फैलाना है। क्यों ऐसा? नहीं तो इस आंदोलन को हम कोने कोने में ले नहीं जा सकते। हमारा कमजोरी पे हम सोचा, हमारा नेशनल लीडर में हमारा बहुत दोस्त है, रोज शाम को हम बैठ के चाय पीते हैं सब संगठन, मगर इसी संगठन का नेता राज्य में उतना मिलता है, कभी कभी मिलता है, और ये नेता जिला में बिल्कुल मिलता है, और गांव में जब पूछो सब संगठन गांव में है मगर आपस में मिलके लड़ाई नहीं करते। जब सब समझता है दुश्मन कौन है, सब समझता है दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, मगर इस जो एकता को हम जब जमीन तक नहीं ले जा पाएंगे तो इस दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाना संभव नहीं है। इसलिए उस कन्वेंशन में तय हुआ था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जैसे लड़ाई लड़ेंगे, साथ साथ हर राज्य में जन एकता का संगठन बनाएंगे, उसके बाद हर जिला में इस संगठन को बनाएंगे, उसके बाद तहसील के बनाएंगे, इसके बाद गांव तक इसको ले जाएंगे। हमारा जितना संगठन है, हम हिसाब करके देखा, ये संगठन 100 संगठन हमारे इसमें है, इसका सदस्य है 20 करोड़। हम कभी सोचा नहीं इतना लोग है, 20 करोड़ छात्र, युवा, महिला, किसान, छात्र, सारे संगठन का मेंबरशिप है 20 करोड़। और 20 करोड़ जो जनवादी आंदोलन में शरीक हो सकता, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा सकता, लाल झंडा के साथ किसी के ना किसी ना किसी संबंध किसी का है, इतना 20 करोड़ लोग हमारा पास है, मगर हम इसको अनदेखी किए। इसलिए तय हुआ था जन एकता इस 20 करोड़ जो कि किसी ना किसी तरीका से जनवादी सेकुलरवादी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ लोग गांव गांव तक है, सबके पास पहुंचने का कोशिश करेंगे, और जन एकता जन अधिकार आंदोलन का यही होगा मकसद। इसी मकसद से हम काम शुरू किया। पहले संगठन ने शुरू में हमें कॉल दिया था पिछले साल 30 अक्टूबर कि पूरे दुनिया में जिस तरह RSS सांप्रदायिकता का अंधेरा फैला रहा है, दंगा फैला रहा है, पहलू खान से लेकर सारे लोग को लिंचिंग करके 40 लोग का अभी तक मार डाला है, मां बहनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं,
और मजदूर किसान का सारे हक छीना जा रहा है। इस परिस्थिति में अंधेरा छाए हुए है, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में मशाल जुलूस करो, मोमबत्ती जुलूस करो 30 अक्टूबर। और हमारा खुशी का बात है, करीब 5000 जगह में पूरा हिंदुस्तान में जो बहुत सख्त समय में अब निवेदन किया था, मगर 5,000-6,500 जगह से रिपोर्ट आया वो जुलूस हुआ था। तो उसका मतलब ये जो पैगाम है ये नीचे जा रहा है और लोग इसमें शामिल होने के लिए तैयार है, इसको इंडिकेशन उस जुलूस से मिला, इसलिए हम बाद में तय किया इसको और कैसे आगे बढ़ेगा। इस बार हमारा वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ और वहां तय हुआ ये साल मोदी सरकार का 4 साल है और इसका आखिरी बजट भी हो गया, अगले साल बजट पूरा नहीं होगा, वो एक वोट ऑफ अकाउंट होगा, आखिरी बजट हो गया, 5 साल पूरा होने वाला, काम तो पूरा हो गया मगर वादा पूरा नहीं, कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता के साथ सरासर विश्वासघात किया, ये मोदी सरकार का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। गाना में सुन रहा था, मुट्ठी भर अमीरों को कॉर्पोरेट को सारे सेवा किया, सबको सुविधाएं दिया, मगर आम जनता की जिंदगी बर्बाद करने का कगार पे पहुंचा दिया। जो वादा किया था बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 लाख भी साल में नहीं, 8 करोड़ होना चाहिए था, 8 लाख हुआ कि नहीं संदेह। महिला को बोला था इसको हिफाजत करेंगे, स्लोगन दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला पर भारत का अत्याचार 100 गुण बढ़ गया पूरा हिंदुस्तान। किसान को 4 वादा किया था, फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, उसका कर्जा माफ करेंगे, उसका फसल बीमा करके उसका क्षतिपूर्ति करेंगे, और जो 3.5 लाख खुदकुशी किया आने वाला दिन में खुदकुशी बंद करेंगे। 400 पब्लिक मीटिंग में मोदी वादा किया था, मगर सत्ता में आने के बाद भूल गया और ये वादा से हट गया। जब 1.5 गुना दाम नहीं दिया, किसान सुप्रीम कोर्ट में गया, मोदी को जब पूछा कोर्ट ने क्यों नहीं दिया, वो बोला हम दे नहीं सकता, देने से बाजार में बिकार आ जाएगा। तो तुम की समझते नहीं, भाषण देने के समय बाजार में बिकार आ जाएगा, सब जानबूझ के झूठ बोला, जानबूझ में झूठ बोलना गद्दारी है। ऐसे लोन वेवर नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार कर सकता, हम नहीं देंगे, तो पैसा सब सेंट्रल में है, राज्य सरकार करेगा। उसके बाद जो बीमा है, बीमा भी एक छला है, पिछले साल में 24,000 करोड़ किसान से वसूल किया प्रीमियम, अब दिया सिर्फ 7,500 करोड़, बाकी 15-16,000 करोड़ 6 बड़े-बड़े बीमा कंपनी मार लिया। तो बीमा किसके लिए, किसान के लिए है या कंपनी के लिए है? और खुदकुशी घटाने 42% खुदकुशी बढ़ गया, आज प्रतिदिन 52 किसान खुदकुशी कर रहे हैं, यह है किसान का हालत। खेत मजदूर के साथ गद्दारी किया, 100 दिन का काम आज 20 दिन भी नहीं हो रहा है, बजट घटा दिया है, बहुत लोगों को काम मिलता नहीं, मिला काम किया तो भी उसको पैसा नहीं मिलता, इस तरह पूरा देश में समस्या पैदा हुआ है। और गांव में किसान भूमि खोकर शहर में आ रहा है, पलायन कर रहा है, माइग्रेंट लेबर बढ़ रहा है, शहर में एक समस्या पैदा हो रहा है, ये सरकार का नीति, ये भी इसके खिलाफ। इसके साथ साथ मजदूर पर जितना हमला हुआ आप सबको मालूम है, सारे मजदूर कानून में जो अच्छा ही था, पिछले 50-70 साल में लड़ाई लड़ाई करके मजदूर जो हक हासिल किया था, वो सारे हक को कानून बदल के फिर पिछले दरवाजा से मजदूर के सारे जो हक है उसको छीन रहा है और छीनने का काम चल रहा है। और उसके अलावा और जो कदम उठाया सारे लोग बोलेंगे, मैं मुख्य जो सरकार का नीति का रुझान जो है जन विरोधी, ये जन विरोधी रुझान जो है जिंदगी के हर पहलू में दिखाई दिया है। और इस तरह अल्पसंख्यक को जिस तरह पीट पीट के मार रहा है, पहलू कान से शुरू हुआ था, 40 को मार दिया, दलित पर जिस तरह मार रहा है, कल गुजरात का मुख्यमंत्री का क्षेत्र में जिस तरह दलित को पीट पीट के मारने का काम किया पूरा देश में, ये भी दलित विरोधी सरकार का जो चरित्र है इसको उजागर करता है। और बच्चा पर हो रहा था, एक 8 साल के बच्चा को कश्मीर ने उठा के ले गया, मंदिर में रख के 8 दिन से उसको बलात्कार किया, उसके बाद उसको डेड बॉडी फेंक दिया। ये कोई मोदी क्या एक ही हिंदुत्व का नीति है, एक ही बीजेपी का सभ्यता का कार्यक्रम है, ये
सब बात जनता के अंदर रोष पैदा कर रहा है और इस रोष के लेके पूरा देश में जनता को गोलबंद करना आज हमारा सामने। मोदी वादा किया था महिलाओं को जो उसका कानून बनाएंगे रिजर्वेशन एमपी एमएलए में, उसमें भी कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। तो समाज में हर हिस्सा में इस पर हमला बढ़ते जा रहा है। ऐसा इसके खिलाफ आज 26 तारीख अगले उसका 4 साल पूरा होगा और 26 तारीख आप देखेंगे किस तरह झूठ का माहौल तैयार करेगा। मोदी इतना किया इतना किया, ये सारे काम किया लोग को गुमराह करने के लिए, मीडिया के इस्तेमाल करके जनता के बीच में झूठ फैलाया जाएगा। उसके पहले वर्किंग कमिटी बैठ के तय किया था ये सरकार जो गुनाह किया, जो अन्याय किया, जो जुलम किया, अत्याचार किया, खून खराबा किया, बलात्कार को बढ़ावा दिया, अमीरों को और अमीर होने के मौका दिया, विदेश के अपने अमेरिका का पास मोदी ने अपना सर झुका दिया, घुटने टेक दिया, साम्राज्यवाद की गुलामी कर रहा है, विदेशी पूंजी के लिए दरवाजा खोल रहा है। आज वॉलमार्ट आ गया वो सारे दुकान हमारा छोटे छोटे दुकानदार का दुकान कब्जा कर लेगा। ऐसा जो परिस्थिति है इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है और इसी लड़ाई के योजना बनाया था कि ये सरकार का जो चरित्र है उसको उजागर करो, उसका पोल खोल दो और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, हल्ला बोल। इसलिए स्लोगन तय हुआ था मोदी सरकार का 4 साल पोल खोल हल्ला बोल, ये आंदोलन का योजना बनाया। आज दिल्ली में हम ये कर रहे हैं, आज करीब 25 कैपिटल हिंदुस्तान का सारे बड़े बड़े जो राजधानी है राज्य का हर राजधानी में 5 से 10 हजार कम से कम लोग इकट्ठा हो रहा है। ये सब जन एकता के नाम सब संगठन इकट्ठा होके राज्य स्तरीय संगठन उसमें योगदान किया है सब मिलके। अभी हमारा जो खबर है कम से कम 25 राजधानी में हजारों मजदूर किसान मध्यम वर्गीय जनता छात्र युवा महिला सब रास्ता में उतारा है और हर राज्य कैपिटल में आवाज उठ रहा है पोल खोल हल्ला बोल। ये पोल खोल हल्ला बोल का आवाज को इतना उजागर करना पड़ेगा जिस आवाज में ही ये दुश्मन को देश छोड़ के भागना पड़ा। हम इसलिए तय किया है ये सरकार के खिलाफ जनता को सारे समस्या जनता को समझाए, जनता के पास ले जाए और उसके बाद आने वाला संघर्ष क्या होगा हम उसको तय करेंगे। तो आज के जो है आंदोलन एक जन आंदोलन का शुरुआत है, कोई पार्टी के नाम पे कोई संगठन का अकेला का नहीं है, बहुत सारे लोग जो सहमति के आधार पर ये जन एकता तैयार हुआ है और आज जन एकता का ये अभियान शुरू हुआ है। यहाँ हम मोदी सरकार का 4 साल का जो पाप है इसको जनता के सामने उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम दिया है। इसलिए आज के कार्यक्रम जन एकता जन अधिकार आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया प्रयास है। इस प्रयास को हम सब मिलके गांव गांव में ले जाएंगे, आज यही शपथ लेने के लिए ये मीटिंग है। इसलिए दोस्तों मैं मेरा जो भूमिका है इस संगठन के बारे में कुछ बातें हैं आपके सामने रखे हैं, हमारा नेतागण है इस जो है कुछ लोग यहाँ आपके सामने बात रहेंगे। आने वाला दिन में एक काटा होके हमको आगे बढ़ेंगे। जन एकता जन अधिकार आंदोलन जिंदाबाद, जन एकता जन अधिकार आंदोलन जिंदाबाद।